तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस कमाल से भरे धमाकेदार गैजेट के वीडियो में। तो आज हम बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे एडवांस गैजेट्स लाए हैं जो देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। नंबर वन, गैलेक्सी जेगा। दोस्तों ये एक गैजेट है जिसमें आपको दो ब्लूटूथ कंट्रोल टैंक्स मिल जाती है, 16 वर्टिकल पैनल्स मिल जाते हैं जो कि बैटल फील्ड को क्रिएट करने के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों ये एक तरीके का गेम है जिसमें आप अपने ओपोनेंट को शूट करते हैं वर्चुअली। शूट करने के लिए दोस्तों आपको फोन का यूज करना होता है जिसमें आपको वर्चुअल अटैक्स भी देखने को मिल जाते हैं जिसके ग्राफिक्स बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत ही मजेदार होते हैं। दोस्तों इस गैजेट की एक और खासियत यह है कि ये एक सिंगल चार्ज में ही 8 घंटे तक चल सकता है। दोस्तों अभी तक इस गैजेट को देख के आपको तो अंदाजा लग ही गया होगा कि ये कितना हाईटेक गैजेट है। इस गैजेट से आप अपने दोस्तों के साथ या रिलेटिव के साथ बहुत ही मजे करके खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको रियल बैटल फील्ड कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। नंबर टू, पॉकेट रेसिंग। दोस्तों ये प्रोजेक्ट आईपैड के लिए बनाया गया था जिसमें आप आईपैड के स्क्रीन पर एक कार को प्लेस्ड करते हैं जो कार स्क्रीन को कंट्रोल करता है और उस गेम को खेलने में आपकी मदद करता है। इस गेम को खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इस गेम में आप इस कार के द्वारा इसमें शूट बटन भी दिए रहते हैं और सेंसर्स भी दिए रहते हैं। तो इस कार में दिए गए शूट बटन को जब आप शूट करेंगे तो वर्चुअल गेम में वो शूट होगा और अटैक होगा। और दोस्तों जब आप अटैक करते हैं तो इस कार में असली में ये कार शेक करने लगता है जो कि बहुत ही रियल फीलिंग देता है। और दोस्तों जब वर्चुअल गेम में ये कार किसी से टकरा जाता है तो असल में ये एक्सप्लोड होके हवा में उड़ जाता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा रियल लगता है। तो दोस्तों ये गेम आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर थ्री, एंकी ओवरड्राइव। दोस्तों ये गेम इतना मजेदार है जिसमें आप डिफरेंट ट्रैक्स बना सकते हैं अपने हिसाब से, अपने डिजाइन से बहुत सारे ट्रैक्स बना सकते हैं जिसमें आप रेसिंग कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे कार्स दिए रहते हैं जिससे कि आप अपने फ्रेंड के साथ रेसिंग कर सकते हैं। और दोस्तों इसके ट्रैक्स को बनाने के लिए इतने मजेदार पैनल्स दिए रहते हैं जैसे कि आपको लगेगा कि आपका जो पैनल है वो बिल्कुल ही 3D लुक दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे कार रेसिंग करने के लिए आपको मोबाइल में एप्लीकेशन दी जाती है जिससे आप कार को कंट्रोल करते हैं और अपने दोस्तों के साथ कार रेसिंग खेल सकते हैं जो कि खेलने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और दोस्तों इस गेम का आपको वर्चुअल वर्जन चाहिए तो इसका एप्लीकेशन आपको फ्री में मिल जाता है। नंबर फोर, कॉस्मो। दोस्तों ये एक AI इंटरैक्टिव रोबोट है जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। दोस्तों ये छोटा सा रोबोट ह्यूमन इमोशन को दर्शा सकता है जैसे कि जॉय, कामनेस और कॉन्फिडेंट, ये सब चीज इसमें है। दोस्तों ये रोबोट ये सारी चीजें कंप्यूटर विजन और AI इंटरेक्शन की वजह से कर पाता है। तो क्या आप भी ऐसा AI रोबोट चाहते हैं कि नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा अगला गैजेट का नाम है स्टार वार स्पैरो। दोस्तों ये है तो एक रोबोट ही पर आप इसे एक जीता जाता इंसान भी कह सकते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो बिल्कुल इंसानों की तरह बनाया गया है क्योंकि इसमें आपको हेड दिख जाती है जिसमें इसके आंखें भी लगी होती है। और दोस्तों जहां तक बात करें इसके मूवमेंट की तो ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ मूवमेंट करता है जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा प्यारा लगता है देखने में। इसके जो गोल गोल हैं ये पूरे राउंड चलते हैं और इसी तरीके से ये मूवमेंट करता है जो कि बहुत ही फास्ट मूवमेंट भी करता है। तो ये गैजेट अगर आपके पास होगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ इसे दिखा सकते हैं, वो आपसे बहुत ही ज्यादा जल जाएंगे और इस गैजेट के साथ खेलने में भी आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ये हमारे नेक्स्ट गैजेट पे चलते हैं, क्विकर बोर्ड। दोस्तों हमने बचपन में बहुत सारे पजल्स गेम्स खेले हैं, वो सारे गेम्स कागज के टुकड़े वाले होते थे जिसे हमें जोड़ना होता था। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे पजल्स होते हैं जिससे कि आप बहुत सारे चीजें बना सकते हैं जैसे कि आप इसे स्पाइडर बोर्ड बना सकते हैं, बैलेंस वॉकर बना सकते हैं और बहुत ही डिफरेंट जीव बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये गैजेट मेरे पास होगा तो मैं इसे सी हॉर्स बनाना जरूर चाहूंगा। तो दोस्तों ये गैजेट आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आप उसी तरीके से गैजेट के साथ खेल सकते हैं। और दोस्तों जब आप अपना जीव या अपना क्रिएचर बना देंगे तो उसमें आपको LED लाइट भी मिल जाएगी जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर बना देती है आपके क्रिएचर को। हमारा नेक्स्ट गैजेट का नाम है MIP। दोस्तों ये ना सिर्फ बच्चों के लिए, ये एडल्ट के लिए भी एक रोबोट है जो कि बहुत ही एडवांस रोबोट है। आप मोबाइल फोन में जैसा जैसा पाथ बनाएंगे, जैसा जैसा इसका रास्ता बनाएंगे, ये रोबोट असल में भी वैसा ही चलने लग जाएगा। और दोस्तों इस गैजेट में आप दो रोबोट्स को भी फाइट करवा सकते हैं और खेल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये सारे गैजेट्स अगर आप बच्चों के पास हो तो आप बहुत ही जल्दी हाईटेक बन जाएंगे और बहुत ही ज्यादा एडवांस बन जाएंगे आज के मॉडर्न जमाने में। हमारे नेक्स्ट गैजेट का नाम है कोडी बोट। दोस्तों ये एक ऐसा गैजेट है जिससे आपके बच्चे
प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं और वो भी बहुत ही एक्साइटिंग गेम्स को खेलकर। आप तो जानते ही हैं कि प्रोग्रामिंग आज के जमाने में कितना जरूरी है, तो अगर आपके बच्चे खेलने के साथ साथ अगर प्रोग्रामिंग सीखेंगे भी तो वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। और दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको कभी भी बोरिंग नहीं करते हैं। इस गैजेट का जो वेट है वो 500 ग्राम है और इसमें बहुत सारे क्वालिटी वाले प्रोसेसर्स लगाए गए हैं। इसमें आपको वाईफाई यूनिट भी मिल जाती है और इसका बैटरी बहुत ही क्वालिटेड वाला होता है। हमारे नेक्स्ट गैजेट का नाम है कॉग्निटॉय। दोस्तों ये गैजेट बच्चों के लिए बहुत ही नए तरीके का गैजेट है जो कि बच्चों के साथ कम्युनिकेट और इंटरेक्ट भी करता है। इस गैजेट से आपके बच्चे लर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके बच्चे इस गैजेट से कोई भी सवाल पूछेंगे तो इस गैजेट के पास उन सारे सवालों का जवाब रहेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो दोस्तों इस गैजेट के साथ आपके बच्चे खेलेंगे भी और सीखेंगे भी, तो ये बहुत ही ज्यादा मजेदार बात है बच्चों के लिए। हमारा नेक्स्ट गैजेट का नाम है थाईमियो। दोस्तों ये एक स्मॉल प्रोग्राम रोबोट है। इस रोबोट को इसकी एलईडी लाइट बहुत ही ज्यादा सुंदर बना देती है। दोस्तों इस रोबोट में आपको सेंसर डिटेक्टर भी मिल जाते हैं जिससे कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट भी कर सकता है। इसमें बहुत तरीके के AI टेक्नोलॉजी यूज किए गए हैं और इसमें दोस्तों माइक्रोफोन भी मिल जाता है जो कि आपको साउंड रिकॉर्ड करने के लिए हेल्प करता है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे मजेदार हाईटेक गैजेट्स आप लेना चाहते हैं कि नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के गैजेट्स में आपको सबसे अच्छा गैजेट कौन सा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।